करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रमीला बेन जी। माननीय श्री शंभू शरण पटेल जी। माननीय श्री शंभू शरण पटेल। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। उपसभापति महोदय, मैं आज जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक 2024 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और आज इस बिल को सदन में पेश कर रहे देश के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर में रह रहे पिछड़ों के हितों की रक्षा के लिए एवं स्थानीय निकायों में राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बिल के आ जाने से जम्मू कश्मीर में रह रहे लाखों पिछड़ों को जो है स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन मिलेगा और वो अपनी भागीदारी को उसमें सुनिश्चित कर पाएंगे। महोदय, मैं बिहार जैसे पीछे प्रांत से आता हूँ, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में आकांक्षी प्रांत से आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि अति पिछड़ा और पिछड़ा के नेता थे, उनको भारत रत्न देने का कार्य किया है। उसके लिए इस सदन के माध्यम से, पूरे बिहार वासियों के माध्यम से, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ ही साथ उन्होंने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया, उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत गए। इस 75 वर्षों में कांग्रेस के ने 60 साल तक इस देश में राज किया और इन 60 वर्षों में उन्होंने पिछड़ों और दलितों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। और जब 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नारा दिया कि देश का जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है, जब तक उसका विकास नहीं हो जाता है तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसी के कड़ी में उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, केरला से लेकर कामाख्या जी तक, सभी स्टेटों में एक समान जो है विकास करने की अवधारणा को परिणित किया। महोदय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिसंकल्पित है कि समाज में के अंतिम पैदाने बैठे हुए व्यक्ति के विकास और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के विकास के बिना प्रगतिशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। महोदय, 2014 के पहले देश में जो सरकारें थी उनके राज में व्यापक भ्रष्टाचार था। नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू कश्मीर तक जल रहा था। जम्मू कश्मीर में सेनाओं पे पत्थर फेंके जा रहे थे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो पहले हमारे नेता रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहा करते थे, एक देश दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उनके आकांक्षाओं के सहित 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया। और उसको हटने के बाद कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि धारा 370 हटाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, जब अभी जम्मू कश्मीर में के दौरे पे थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो उस लाल चौक पे तभी वो भाषण कर पाए जब वहाँ से धारा 370 हटाया गया। क्या उनके पहले उनकी हिम्मत थी, किसी कांग्रेस के नेताओं में हिम्मत थी कि वो जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे जाके अपना स्पीच दे पाए? ये तभी संभव हो पाया जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहाँ पत्थरबाज जो थे वो कम हुए, अलगाववादी या तो अपने बिल में घुस गए या तो जेल के सलाखों के पीछे हैं। वहाँ पर्यटन बढ़ा है जिससे कि वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के जो पिछड़े वर्ग से आने वाले वहाँ दुकानदारों को, वहाँ के होटल को, वहाँ के पर्यटन व्यवसाय को
अधिक से अधिक की जो है रोजगार मिल रहा है, जो मुख्य धारा में जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में G20 जैसे आयोजनों का वहाँ आयोजन किया गया, ये हुआ धारा 370 हटने के बाद। धारा 370 हटने के बाद अमरनाथ यात्रियों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई। आज बहुत दशकों बाद जो वहाँ हमारा शारदा जो मंदिर है वहाँ पे दीपावली जो है दीपक जलाया गया, ये तभी संभव हो पाया जब धारा 370 को वहाँ से हटाया गया। महोदय, पूर्व की कांग्रेस सरकार हमेशा से पिछड़ा और दलित विरोधी रही है। महोदय, आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए। इस 75 वर्षों में लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस ने देश पे राज किया, शासन नहीं किया, राज किया मैं कहता हूँ, क्योंकि उनके एक परिवार का ही शासन चलता रहा, तो इससे हम लोग राज ही कहेंगे। उन्होंने राज किया, लेकिन उन्होंने OBC समाज को कभी जो है सही न्याय नहीं दिया। इसकी एक छोटी सी बानगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1953 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निर्देश पे पंडित नेहरू जी ने 1953 में काका कालेलकर जी का आयोग का गठन किया, और काका कालेलकर जी ने अपने आयोग, जो कि पिछड़ी जातियों के आर्थिक और सामाजिक जो है ये उनका जो पोजीशन है उसके अध्ययन करके रिपोर्ट को सबमिट करने को कहा गया। उन्होंने दो वर्ष के बाद ही 1955 में ही काका कालेलकर जी ने अपनी रिपोर्ट माननीय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को दे दिया। लेकिन जितनी भी कांग्रेस से सरकारें आई उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया, यानी कि यह दर्शाती है कि आपकी मानसिकता जो है वो पिछड़ा और दलित विरोधी रही है। जब हमारे और यही नहीं महोदय, देश की आधी आबादी जो है वो पिछड़ी जातियों की है, और उस पिछड़ी जातियों के लिए जो आयोग था, जो आयोग था पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त नहीं था। जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दूंगा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे हम जब अब वो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद हम लोग का जो पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हैं उनका अब हम लोग के साथ भी न्याय हो पाएगा। महोदय, और यही नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के बाद हमारी सरकार ने जस्टिस रोहिणी, रिटायर्ड जस्टिस रोहिणी जी के नेतृत्व में एक आयोग का भी गठन कर दिया है, जो कि पिछड़ों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करेगी, और आने वाले समय में पिछड़ों में भी जो है वर्गीकरण करने का जो कार्य होगा। महोदय, कांग्रेस की सरकार कहा करती है कि हमारी सरकार पिछड़ा विरोधी है, तो मैं जिस प्रांत से आता हूँ, इस देश में जब जब पिछड़ों और दलितों का आरक्षण देने की बात आई है, चाहे वो राजनीति में चाहे नौकरियों में, तो उसमें हमारी सरकार सबसे आगे रही है। 1977 में जब कर्पूरी जी बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी जनता पार्टी के रूप में तत्कालीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित कैलाशपति मिश्रा जी उस सरकार में वित्त मंत्री थे, और उसी समय जो है कर्पूरी जी ने OBC को नौकरियों में आरक्षण दिया, और OBC और EBC का जो है उन्होंने वर्गीकरण तभी कर पाए जब हमारी सरकार ने उनको सपोर्ट किया। यही नहीं, 2006 में जब बिहार में पहली 2005 में जब बिहार में पहली बार NDA की सरकार बनी, तब 2006 में जो वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें अति पिछड़ों को आरक्षण हमारी सरकार ने पहली बार बिहार में देने का कार्य किया। जो पिछली सरकार थी, लालू जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, वह सिर्फ अति पिछड़ों को जो है वो शोषण करने का काम करती थी, उनको पछोड़ना बोलने का काम करती थी। उस पछोड़ना को, उस पछोड़ना वाला समाज को, नाई समाज हो, चाहे वो नाई समाज हो, मल्ला हो, बिंद हो, नोनिया हो, बेलदार हो, धानुक हो, अमात हो, केवट हो, उन समाज को जो है 2006 के बाद जब उन्हें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण मिला, तब वो जाके मुखिया, सरपंच,
जिला परिषद के चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख बन पाए, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और यह दिखाती है कि हमारी सरकार समावेशी विकास करती है और समाज के सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए जो है परस्पर विकास की कामना करती है। महोदय, जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक आ जाने से जम्मू कश्मीर रह रहा है ओबीसी समाज के लोगों को अब वार्ड मेंबर बनने का, जिला परिषद चेयरमैन बनने का, ब्लॉक प्रमुख बनने का, पंच बनने का जो है वो मौका मिलेगा। वो अपनी राजनीतिक भागीदारी जो कि गांव से शुरू होती है, पंचायत से शुरू होती है, वार्ड से शुरू होती है, वो कर पाएंगे। और बोलने को तो बहुत कुछ है उपसभापति महोदय, हमारी सरकार ने ओबीसी समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, उसकी दो चार जो है उन हम सरकार की उपलब्धियों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी समाज से आते हैं। अभी केंद्र सरकार में जो 35% मंत्री हैं वो ओबीसी समाज के हैं, ओबीसी समाज से हैं। सबसे ज़्यादा सांसद अभी जो है जो कभी है आप ओबीसी समाज से है। महोदय, यही नहीं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के दाखिले में भी ओबीसी समाज को 27% का आरक्षण की व्यवस्था हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यही नहीं, ओबीसी समाज अपना व्यापार ठीक से कर पाए इसके लिए उन्होंने पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी जैसे बिजनेस में भी उनको आरक्षण देने का काम किया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लागू किया, वो अपने आप में यह दर्शाता है कि पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो देश के पिछड़े और जो दलित समाज के लोग हैं उसके लिए कितने चिंतित हैं कि आप उस समाज के लोग 3 लाख तक का लोन जो है, चाहे वो बड़ी समाज के लोग हैं, चाहे वो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, चाहे वो जो कुल्हड़ बनाते हैं उस समाज के लोग हैं, या चाहे नाइट समाज के लोग हैं, वो बिना किसी गारंटी के 3 लाख तक का लोन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी का कहना है कि समाज का जो कोई भी व्यक्ति जो है वो विकास से अछूता ना रहे और उसके लिए जो भी करना पड़े वो प्रधानमंत्री जी हर संभव वो प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं एक शेर बोलना चाहूँगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। महोदय, उसी तरह 2014 के पहले लगभग 60-65 वर्षों तक ओबीसी समाज के लोग अपने अधिकार से वंचित थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक मसीहा आए, उन्होंने जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में रह रहे ओबीसी समाज के लोगों को उनके अधिकार देने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक 2024 आ जाने से जम्मू कश्मीर में रह रहे पिछड़े समाज के लोगों को उनके स्थानीय निकाय में चुनाव में आरक्षण मिलेगा, वो अपनी अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माननीय नित्यानंद राय, टू रिप्लाई द पोर्शन ऑफ डिस्कशन पर्टेनिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। आपका जवाब माननीय मंत्री जी।